अररिया में नरपतगंज लूटकांड का खुलासा। 23,92,500 के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 15 दिसंबर को चलती कार से व्यवसायी से 40 लाख रुपए की लूट हुई थी। अररिया के नरपतगंज में 15 दिसंबर को चलती कार से एक व्यवसायी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 40 लाख रुपए की लूट कर ली थी। वारदात को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है, साथ ही उनके पास से 23,93,500 की बरामदी कर ली गई है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को फोरलेन पर नरपतगंज थाना क्षेत्र के गेरुआ धार के समीप 5 अपराधियों ने हथियार के बल पर चलती कार में वारदात को अंजाम दिया था। फॉरबिसगंज के हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती से हथियार और डाइगर के बल पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस बाबत अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने बताया कि फॉरबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SIT टीम का गठन किया और अग्रतर कार्रवाई करते हुए अपराधी ड्राइवर संजय कुमार चौहान, गणेश राम राज सिंह राजपूत, विकी कुमार और ललन रजक को गिरफ्तार कर लिया। इस भाई लूटकांड के उद्भेदन में फॉरबिसगंज के SDPO समेत कई थाना ने के थानेदार भी शामिल थे। अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने इस उद्भेदन को बड़ा खुलासा बताया है। नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15/12/22 को दिन में लगभग 1:15 बजे NH 57 पर गेरुधार पुल के पास 4-5 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर एक 4-चक्का गाड़ी को रोककर कार के अंदर प्रवेश कर हरिओम ट्रेडर्स फॉरबिसगंज के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती को हथियार और चाकू के भय दिखाकर कुल 40 लाख रुपए लूट लिया गया था, जिसके संबंध में नरपतगंज थाना कांड संख्या 570/22 दर्ज किया गया। घटना घटित होने के तत्काल बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फॉरबिसगंज के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। टीम के द्वारा सर्वप्रथम जिस कार से पैसे की लूट हुई थी उस कार का सघन तलाशी लिया गया। तलाशी लेने पर 7,50,000 रुपये गाड़ी के अंदर से बरामद हुए। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में टीम के द्वारा पूछताछ के क्रम में कार चालक संजय कुमार चौहान की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। अग्रतर